है पत्र। पत्र लिख रहा है रुकुम, क्या स्वीकार करो तुम भूप चमेली के रे तब लेकिन पत्र के नीचे एक लाइन और लिख दी जीजा जी, अरे होशियारी से अयो दूल्हा बनी जीजा दूल्हा बनी, क्योंकि यहाँ आई है मथुरा तोरे बनवारी। पत्र लिख दिया और नीचे सावधानी लिख दी कि हो समय और सेना लेकर के आना, क्योंकि यामो द्वारिका का कन्हैया भी आ सकता है। और लिख करके नाई पंडित के द्वारा भिजवा दिया। और जैसे ही माताओं ये पत्र पहुंचा और शिशुपाल को मिला तो गद्दी से उछल पड़ा, बोला अच्छा जीजा जी की बहन के साथ शादी, वो तो बड़ी सुंदर है। हाँ अंधेरे में बिठा दो, दीपक जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, दूर से चमक जाती है। हाँ हे भगवान ऐसे जीजा जी सबको मिले। हाँ पत्र लिया और लेने के बाद में नीचे वाली लाइन पढ़ना भूल गया। तो मंत्री जो था जो खत लेकर के नाई और पंडित गए थे उनको तो पूरी बात मालूम थी, बोले राजा साहब अभी आपने पूरा पत्र नहीं पढ़ा है, पढ़ लिया, रुक्मणी की शादी मेरे साथ होगी। बोले और भी कुछ लिखा है, ध्यान से पढ़ो। और जैसे ही उसने पढ़ा कि कन्हैया भी आएगा, कलेजा दबन लगो, कन्हैया आएगा शादी कैसे होगी, कन्हैया आएगा होगी बिल्कुल होगी, क्योंकि अरे मैं लड़के भाई हराऊंगो होगी, तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें मार दूंगा, लेकिन रुक्मणी को ना 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 ऐसे नहीं जाने दूंगा, मैं लड़के भाई भगाऊंगा, रोकन मेरी संग भावरी डालूंगा, और एक नौ इतिहास रचाऊंगा, अबे भारी मार कन्हैया आएगा तो शादी कैसे होगी, होगी युद्ध करूंगा मैं, उसे हराऊंगा, लेकिन रुक्मणी को नहीं जाने दूंगा। चला अपनी भाभी के पास आया,